देखिए, आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में जानकारी लेंगे, और आपका स्वागत है हमारे IECT वाईफाई एकेडमी चैनल पर। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर से लॉजिक गेट से रिलेटेड, अर्थात हमारा कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। आप लॉजिक गेट्स को 12th में भी इसका सिलेबस आता है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे अगर आप 12th कर रखे हैं तब, और किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। तो हमारा लॉजिक गेट्स का जो टॉपिक है, लॉजिक गेट जो बूलियन एलजेब्रा का जो नियम होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भाई, हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं, डिजिटल सर्किट को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं, यानी डिजिटल तरीके से जिन संकेतों का यूज किया जाता है, ठीक है, जो डिजिटल सर्किट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। अब जो हमारे पास बूलियन एलजेब्रा का नियम होता है, किसका, बूलियन एलजेब्रा, एलजेब्रा का जो नियम है, लॉजिक गेट्स, बूलियन एलजेब्रा। अब भाई, बूलियन एलजेब्रा का आविष्कारक किसको माना जाता है और इसको आविष्कार कहाँ किया गया? तो बूलियन एलजेब्रा का आविष्कारक, बूलियन एलजेब्रा, एलजेब्रा का आविष्कारक देखिए जॉर्ज बूले को माना जाता है। किसको? जॉर्ज, जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले कौन है भाई? बूलियन एलजेब्रा का आविष्कारक हैं जॉर्ज बूले। अब इसके अंदर ये भाई कहाँ के थे जॉर्ज बूले, ये भी पूछ लेगा, तो बेटा ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन, ब्रिटेन के हैं जॉर्ज बूले, जिन्होंने इसका आविष्कार किए हैं। अब भाई, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें वह चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल हम डिजिटल सर्किट के रूप में होता है इनका, और बूलियन एलजेब्रा जो इनका नियम है, जॉर्ज बूले ने इसका आविष्कार किया है, जो ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे। लेकिन हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें कब, क्यों, कैसे, तीन क्वेश्चन को आपको टीचर से कर लेना चाहिए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल, आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा, आप कभी भी उसको, टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। कब, क्यों, कैसे, अगर तीन का अगर आप समझ लिए, हर एक बात के दो तीन पहलू होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कब लॉन्च किए, कैसे, क्या, बहुत अच्छी तरीके से आप डिस्कस हो जाएगा। तो आपका ये 20 मिनट्स का वीडियो है, अगर आप लॉजिक गेट्स का 20 मिनट अगर देख लेते हैं, तो लॉजिक गेट्स से एक भी क्वेश्चन आपका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, बहुत अच्छे से आप लॉजिक गेट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, लॉजिक गेट्स का, लॉजिक गेट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, नोट, कंप्यूटर की कैलकुलेशन को या गणना को आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, बनाने के लिए। देखिए, लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कंप्यूटर की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो कंप्यूटर है वह बाइनरी डिजिट को समझता है, यानी मशीनी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर को समझता है। हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है या डिजिट बोल सकते हैं। और बाइनरी नंबर कौन से होते हैं भाई? 0 और 1। 0 और 1 क्या है हमारे पास? बाइनरी डिजिट होते हैं। हमारा कंप्यूटर 0101 पर ही कार्य करता है। हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम लॉजिक हम क्लियर कर लिए हैं, हमारे पास क्या होते हैं भाई? मशीनी लैंग्वेज है, 0101 पे हमारा कंप्यूटर कार्यरत करता है। लेकिन कंप्यूटर हमारा किस तरह से, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई, आप कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी कमांड देंगे, कंप्यूटर के माध्यम से आप कमांड दिए हैं, कमांड देने के बाद वह बाइनरी कोडिंग में हो जाएगी, यानी
कोडिंग में परिवर्तित होगी, बाइनरी नंबर में परिवर्तित होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हर चीज के दो स्विच होते हैं, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। तो जीरो का मतलब होता है भाई ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा अगर इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो जीरो का मतलब ऑन ऑफ होता है और वन का मतलब ऑन होता है। अब भाई उसके बाद हमारे पास दो स्विच हैं या दो कंडीशन रहेंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास भाई एक यहाँ पे जीरो है तो उसको क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, या वन है तो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। उसके बाद ये क्या काम करेगा, इसकी क्या करेगा, अभी कैलकुलेशन करेगा, क्या करेगा, कैलकुलेशन। अब कोई भी चीज है उसको बाइनरी कोडिंग में करके क्या कर देगा, इसकी कैलकुलेशन कर देगा। और जब किसी भी चीज की कैलकुलेशन हो जाती है तो उसका रिजल्ट हमें एक आउटपुट के रूप में प्रदान हो जाता है। तो हमें डाटा किस रूप में मिल जाएगा, आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया को लॉजिक गेट कहा जाता है। तो बेटा आपको इतना याद रखना पड़ेगा, जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। अब हम इस सिद्धांत पर किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलते हैं, बहुत सारे इसकी इससे रिलेटेड ही है, वो हमें सबको समझना पड़ेगा। पहले अब हम सीखते हैं कि हमारे गेट कितने होते हैं। तो हमारे बेसिक गेट तीन होते हैं और यूनिवर्सल गेट दो होते हैं। बोलते क्यों नहीं, तो कितने होते हैं भाई, बेसिक गेट तीन, ठीक है, और यूनिवर्सल गेट दो, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिक गेट है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास गेट होते हैं कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। हमारा कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, हमारा बाइनरी नंबर बाइनरी डिजिट पर कार्य करता है। अब हमारे पास जो बेसिक गेट होते हैं बेटा, जो बेसिक गेट हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास तीन होते हैं। नंबर एक आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है एंड गेट। कौन सा आता है, एंड गेट। अब एंड गेट के बारे में बस आपको इतना समझना रहेगा, जो हमारे पास एंड गेट आता है भाई, हमारे पास जो बेसिक गेट होते हैं वे तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन, और यूनिवर्सल गेट दो होते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक गेट के बारे में समझते हैं, तीन गेट होते हैं ये। सबसे पहले जो गेट आता है वो एंड गेट आता है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम समझ लेते हैं। बेटा एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई, यानी किसी भी चीज को गुणा में दिखाना, यानी एंड गेट का आप समझ सकते हैं क्या है, इसका गुणा करना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, क्या है, मल्टीप्लाई। अब भाई अगर पूछने लगे, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम के अंदर कि इसका हम एंड गेट का डायग्राम बना करके दिखाइए, डायग्राम दे रखा होगा उसमें, अब फॉर्मूला के बारे में पूछ लेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इतना ध्यान रखना है, जो एंड गेट में लास्ट डी आती है, डी का ही हमारा डायग्राम हो जाता है। किसके आकार का होता है एंड फॉर्मूला का डायग्राम, डी के आकार का। तो जैसे हमारे पास डी बनती है, इसी तरह से हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा। एंड गेट का डायग्राम ये है, और हम एंड गेट में कितने इनपुट देते हैं बेटा, दो इनपुट देते हैं, तब जाके एक हमें आउटपुट मिलेगा, ए और बी। ये क्या जा रहा है हमारे पास, इनपुट जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ये क्या मिला हमें, आउटपुट मिला, क्या मिल रहा, आउटपुट मिल रहा। अब उसके बाद में हमारा वही फॉर्मूला दे दे और डायग्राम बनाने के लिए पूछे, डायग्राम दे रखा है भाई, फॉर्मूला किसका है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो वाई बराबर ए इंटू वी, ए इंटू वी, इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास। जो हमारे पास एंड गेट है उसका फॉर्मूला क्या है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू वी, ठीक। अब ये हमारे पास इसका डायग्राम है एंड का। अब बस इतना ध्यान रखना, जो हमारे पास डी जो लास्ट में आ रही है वही इसका क्या हो जाता है, डायग्राम हो जाता है। बेसिक ये ट्रिक है इसकी समझने की। हमारे पास दो इनपुट दे रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं, दो इनपुट दे रहे हैं, तब जा करके एक हमें आउटपुट मिल रहा है। अब भाई इसकी हमारे लिए एक ट्रूथ टेबल आती है। क्या आती है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मतलब होता है सत्य सारणी। अब भाई अगर यहाँ पर ट्रूथ टेबल अगर आपके लिए दे देता है तो इसको हम किस तरह से सोल्यूशन करते हैं वो भी समझ लेते हैं। अब आपके लिए यहाँ एक टेबल दे देगा इस तरह से, ये टेबल रहेगी आपके लिए। अब इस ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनपुट भेजते हैं। क्या करते हैं भाई, इनपुट। अब इनपुट कितना जा रहा है हमारे पास, दो जा रहा है।
कौन कौन सा? ए और बी। और आउटपुट? आउटपुट तो भाई हमें हमेशा देखिए हर बात के दो पहलू होते हैं, हमें रिजल्ट एक ही मिलेगा। हम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ कामयाबी मिलेगी, यहाँ असफलता मिलेगी। तो ये कोई भी चीज़ है हर चीज़ की, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई बराबर ए इंटू वी। ठीक है, अब इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कोई भी स्विच है, अगर इस चीज़ को आप विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं, हम डायग्राम मान लीजिए एक हमारे पास, ये हमारा पास बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। और ये हमारे पास बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई? बल्ब लगा हुआ है। अब इस बल्ब में हमारे पास दो स्विच हैं। कितने स्विच हैं? दो स्विच हैं, एक ए है यहाँ पर और एक बी है। ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है। अब इस डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से अगर समझते हैं आप तब भी वही आंसर आएगा। भाई हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास ए तार है, ये बी तार है। हम क्या करते हैं भाई, अगर मान लीजिए दोनों तारों को बल्ब पर नहीं लगाया जाए, अर्थात जीरो जीरो रखा जाए, तो क्या हो जाएगा भाई? हम ये तार भी नहीं लगाए और इस केबल को भी नहीं लगाए, तो हमारा बल्ब जल जाएगा? नहीं जल जाएगा, नहीं जलेगा। तो क्या है इसमें आउटपुट, क्या मिलेगा हमें? जीरो मिलेगा, यानी हमें ऑफ है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, मान लीजिए हम ए वाले तार को लगा देते हैं, क्या कर दिया? एक तार हमने लगा दिए हैं, एक लगा दिए, लेकिन हम बी को नहीं लगाए। और हमने क्या काम करा भाई, एक बल्ब का तार एक को लगा दिए, दूसरे को नहीं लगाए, तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, क्योंकि हमारा ये बल्ब जलने वाला नहीं है। क्या जल सकता, एक तार से जल जाएगा बल्ब? नहीं जलेगा। ठीक है, मान लीजिए अब की बार हम क्या करते हैं, पहले वाले तार को नहीं लगाते हैं, दूसरे को लगा करके देख लेते हैं, देखते हैं जल जाए क्या बल्ब भाई। तो इस तरह से जल सकता है? नहीं जल सकता। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट क्या मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा। मान लीजिए अगर हम बल्ब के दोनों ही तारों को लगा दिया जाए, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें? वन। देखिए इसमें दो नहीं आता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जीरो और वन पर ही कार्यरत करता है, तो इसका आंसर हमेशा जीरो या वन में ही आएगा। कभी गलती नहीं करना, और अगर आप वन की गुणा वन से भी करेंगे तो क्या आएगा भाई? वन ही आएगा। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए जीरो और ये तो होगी हमारे डायग्राम के हिसाब से, अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से भी इसको सॉल्व करना चाहेंगे तब भी हमारे लिए आंसर वही रहेगा। जीरो गुणा वन कीजिएगा तब भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहाँ भाई वन गुणा जीरो कीजिएगा तब भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो बराबर जीरो तो जीरो ही रहता है, वन गुणा वन करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें आप फॉर्मूला के हिसाब से भी वही आंसर आएगा, और डायग्राम के हिसाब से भी अगर आप चलते हैं तब भी हमें वही आंसर देखने को मिलेगा। तो आप इसको डायग्राम के हिसाब से एंड गेट के बारे में समझ चुके होंगे। और एक बात ध्यान रखना है, इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से समझ सकते हैं एंड गेट की, अगर कोई भी एक स्विच लगा है तो हमारा बल्ब नहीं जलने वाला। ठीक है, जब तक एंड गेट में दोनों स्विच ना लगे जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलता है। आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों स्विच ऑन रहेंगे। कोई एक स्विच ऑन होने पर हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये हमारे किसका हो गया भाई? एंड गेट का हो गया भाई। ठीक है, एंड गेट के अंतर्गत ये हमारी ट्रूथ टेबल आती है। इस तरह से ये सत्यता सारणी होती है, इस तरह से हमें सॉल्व करना रहता है। और एंड गेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी किसी भी चीज को गुणा के हिसाब से दिखाना। अब जो दूसरा गेट अपने पास है वो है और गेट। अब हम समझ लेते हैं और गेट का किस तरह से डायग्राम होता है, और गेट के बारे में किस तरह से इसके बारे में है। तो देखिए और गेट क्या है, और गेट का जो डायग्राम है वो भी चेंज है, और गेट का मतलब होता है एडिशन। और गेट का मतलब क्या होता है भाई? एडिशन। ठीक है, एडिशन मींस होता है भाई किसी भी संख्या को प्लस कर देना, यानी गुणा के रूप में आपको ये दिखाएगा। अब गुणा में जो दिखाता है भाई कोई भी चीज है, तो हम और गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब भाई इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम बनाने के लिए अगर आता है और गेट का, तो और गेट में जो डायग्राम है वो ओ के आकार का, जिस तरह से हम ओ को बनाते हैं, तो इसको आधे को मिटा देना आप, और इसमें ही क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? डायग्राम। और गेट का डायग्राम है।
और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए और मतलब हमें और चीजों की आवश्यकता है, तो क्या है भाई, हम और चीज मांग रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं उसमें, तो इस तरह से और से भी हम ये ट्रिक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। और गेट में भी कितना जा रहा है इनपुट, दो जा रहा है, कितना इनपुट दो, इसमें ए जा रहेगा और बी, ठीक है, यस सर। तो इनपुट भी हम कितना कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, और जब इनपुट दो किए हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा हमें, एक ही मिलेगा, बाई मिल जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, बाई बराबर ए इनटू बी, ज्यादा मत बोल बेटा, ये नहीं होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या होता है, बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, वहां एन टू बी था, यहाँ पे क्या है भाई, ए प्लस बी है, यहाँ पे क्या करना है भाई, हम वहां एंड में गुणा कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसके बारे में हो गया। अब हम इसकी जो सत्यता सारणी अर्थात ट्रूथ टेबल है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ रहे हैं। एक बार भाई हम मान लीजिए किसी भी संख्या को, हम इसमें एक स्विच को हम क्या कर दिए हैं भाई, अगर मान लीजिए कोई दो स्विच हैं और दोनों को ही नहीं लगाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, हमें जीरो मिलेगा, कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और गेट के अंदर एक खासियत होती है, अगर हम किसी भी एक स्विच को ऑन करने पर हमें आउटपुट मिल जाता है, अगर आपने एक स्विच ऑन कर दिया तो हमारा बल्ब जल जाएगा, यानी हमें आउटपुट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एंड गेट में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमारा, हम एक तार को लगा दिए हैं और एक को नहीं लगाए हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है, और भाई हम पहले को नहीं लगाए, दूसरे को लगा दिए हैं, तब भी क्या मिलेगा, हमें वन ही मिलेगा, और वन वन भी क्या होता है, अभी वन ही होता है, दो नहीं करना है आपको, ठीक है, तो आउटपुट कितना मिल गया, वन मिल गया। इसके भी आधार पे अगर आप जाते हैं तो कितना मिलेगा भाई, जीरो प्लस वन कितना होता है, बराबर वन, ठीक, तो उस फॉर्मूला के आधार पे अगर आप करिएगा तब भी हमें आंसर यही मिलेगा, और ट्रूथ टेबल के आधार पे आप करिएगा तब भी हमें आंसर यही मिलने वाला है, ठीक है, ये जोड़ी तरह है इसके माध्यम, नहीं नहीं बेटा, हमारा जो कंप्यूटर है ये रूल्स फॉलो नहीं होगा, हमारा जो कंप्यूटर है वह कार्य करता है बाइनरी डिजिट पे, और बाइनरी डिजिट हमारे ओनली दो ही होते हैं, जीरो और वन, तो इसलिए हम इसका आंसर हमेशा वन में ही मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ पे दो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो और गेट है वो एडिशन पे आधारित है, एंड गेट हमारा मल्टीप्लाई पे आधारित है, तो ये हमारा इसका डायग्राम है। और इस तरह से अगर ट्रूथ टेबल के बारे में आ जाता है, यूपी ट्रिपल एससी जितना भी एग्जाम रहता है, आरआरबी वगैरह, इसमें क्वेश्चन आते हैं लॉजिक गेट से संबंधित, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब कुछ पूछ लेगा वहां से, ठीक है, कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछता है इसमें। और उसके बाद में कौन सा गेट बचा हमारे पास, नॉट गेट बचा, तो नॉट गेट के बारे में समझ लेते हैं आप, ठीक है, तो नॉट गेट क्या है हमारे पास, जो नॉट गेट है वो कैसा गेट है भाई, एक नॉट गेट, इसमें क्या होता है, रिवर्स होता है, ये और का क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी इसमें हर कार्य क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या होता है, उल्टा हो जाता है। और इसका जो डायग्राम है वो कैसा है, वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और इसमें इनपुट कितना जाता है, एक जाता है, और एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है, एक इनपुट आप देंगे तो कितना मिलेगा, एक ही आउटपुट मिल जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो बाई इज इक्वल टू ए रिवर्स, ठीक है, रिवर्स का मतलब होता है हिंदी में बार, रिवर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, बार कहते हैं, यानी किसी भी चीज का उल्टा कर देना, ठीक है, ये रिवर्स कहलाता है। अब हम कितना दे रहे हैं, इनपुट एक दे रहे हैं, तो भाई हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना, इनपुट एक दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, मान लीजिए हम क्या कर दिए भाई, इनपुट हमने एक दिया, अगर किसी भी, आप फ्रिज देखें, फ्रिज में इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहेगा तो वो क्या करता है, जैसे उसमें एक लाइट जलती है, जैसे हम उसे ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाती है, और ऑफ करते हैं तो वो ऑन हो जाती है, तो उसमें देखता है कि भाई जल कैसे रही, इंग्लिश मीडियम का बच्चा बार बार फ्रिज में झांकेगा देखेगा, तो वो क्या होता है, वो यही सिस्टम उस पर आधारित होता है, हिंदी मीडियम का रहेगा। तो इसमें क्या है भाई, जैसे अगर हम किसी भी लाइट को ऑन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, मान लीजिए हमने स्विच को कर दी ऑफ, तो हमें रिजल्ट किस रूप में मिलेगा,
ऑन में मिलेगा, हमारी लाइट क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, और हमने जैसे ही उसको क्या कर दे, ऑफ कर दिए, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका उल्टा हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आउटपुट किस में मिलता है, अभी नॉट गेट एक ऐसा गेट है, इसमें मान का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कोई भी संख्या का उल्टा हो जाता है, यानी आप किसी भी चीज को ऑन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ऑफ कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा और फॉर्मूला इस तरह से रहेगा। ठीक है, रिवर्स का, और अगर आप ये रिवर्स नहीं लगाए तो ये बेकार है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, इसके अंदर ये अगर आप ये अंडे नहीं लगाए हैं तो हमारा ये जो इसका डायग्राम है वह मान्य नहीं रहेगा, डायग्राम इसका मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये और गेट का नॉट गेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो गेट बचे हैं, ये बेसिक गेट हम पढ़ा दिए हैं, अब इसके बाद में दो गेट कौन से हैं, यूनिवर्सल गेट, क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन से आते हैं, इन तीन गेट से मिलकर के दो गेट और बनते हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब भाई थोड़ा जल्दी समझ लीजिए फास्ट इसको, तो कौन सा पढ़ने वाले हैं अब हम, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के अंदर हम यूनिवर्सल गेट क्या आते हैं, यूनिवर्सल गेट। अब हमारे पास देखिए एंड गेट, एंड मतलब इन तीन गेट से ही मिलकर के हमारे और गेट मिल बनते हैं, एंड प्लस नॉट गेट को मिला करके कौन सा गेट बनता है भाई, भाई इस एंड को उठा लो और एंड को ऐसे लिख दो, नंद गेट बन गया, कौन सा बना भाई, नंद गेट। अब हम क्या करेंगे, और गेट और प्लस नॉट गेट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एन को उठा लेंगे और को ऐसे ही लिख देंगे, तो दो गेट मिलकर के किससे बने होते हैं, हमारे बेसिक गेट से मिलकर के हमारे दो गेट, यूनिवर्सल गेट जिन्हें कहा जाता है वो बनते हैं, जैसे नंद गेट आता है, नॉर गेट आता है। ठीक है, किससे मिलकर के बनते हैं, बेसिक गेट से मिलकर के बनते हैं। अब भाई नंद गेट का मतलब क्या होता है और नॉर गेट का मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो नंद गेट जो आता है वह क्या है, एंड गेट का क्या होता है, अभी रिवर्स होता है, किसका रिवर्स है, ये एंड गेट, नंद गेट एंड गेट का क्या है, रिवर्स। तो एंड गेट का क्या है, अभी रिवर्स, एंड गेट का रिवर्स, रिवर्स है। अब इसके अंदर क्या, अगर पूछ लेता भाई नंद गेट का आप डायग्राम बना करके दिखाइए, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, एंड गेट का जिस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हमें इसका बनाना है। अब भाई हम डी के आकार का बनाते हैं एंड गेट का, तो हम डी के आकार का बनाएंगे यहाँ, लेकिन उसमें आप क्या जोड़ देना है, नॉट, नॉट का कैसे बनाते हैं डायग्राम, भाई इसमें आप इस तरह से जोड़ दीजिए, क्या कर देना है, इस तरह से जोड़ देना है, नॉट का भी इसी में जोड़ देना है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट भी यहाँ पर ये लगा करके, इसका मतलब भी क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, नॉट ही होता है। तो आप दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो हम इसी तरह से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास डायग्राम बन चुका है, किसका, नंद गेट का। अब इसमें कितना इनपुट जाएगा भाई, कितना जाएगा भाई इनपुट, इसमें दो ही इनपुट जाएगा, कितना जाएगा, दो इनपुट जाएगा, मान लीजिए एक गया हमारे पास ए और एक बी। ठीक है, दो इनपुट कर दिए, अब इसमें जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए इंटू वी और क्या आ जाएगा, रिवर्स। वही फॉर्मूला सेम है, बस क्या चीज बढ़ा देनी है हमें, इसमें रिवर्स बढ़ा देना है, यानी संख्याओं का उल्टा कर देना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, उसके ऊपर आप रिवर्स लगाना मत भूलिएगा, बिल्कुल। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या है भाई, अगर इसकी ट्रूथ टेबल अगर आपसे पूछता है तो ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए एक हमारे लिए हम यहाँ ट्रूथ टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास इनपुट है, क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे और एक तरफ से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आउटपुट। अब भाई जो चीज आप इनपुट कीजिएगा यहाँ पे कौन से गेट का मिलेगा, एंड का मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाई बराबर ए इंटू बी और इसका क्या हो गया, रिवर्स। यहाँ दो हम इनपुट कर रहे हैं, ए और बी, कितना इनपुट करें, दो इनपुट करें। अब मान लीजिए हम किसका निकाल रहे हैं, नंद गेट का निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे कितना कर दिए भाई, जीरो जीरो, तो इसका आंसर क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा,
लेकिन अगर हम एंड में निकाल रहे हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, आउटपुट क्या मिलेगा इसमें, वन मिलेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को ऑफ करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और जैसे ही ऑन करते हैं वहां क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ट्रूथ टेबल अगर नंद गेट की बनाने के लिए अगर आती है तो इस तरह से आपको क्रिएट करना है। मान लीजिए यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ वन कर दिया, तो आंसर क्या मिलेगा एंड गेट में, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि हम गुणा करेंगे जीरो गुणा वन की तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, यानी आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला। और अगर हम यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, वन मिलेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को ऑफ करते हैं तो हमारा ऑन के आउटपुट ऑन मिल जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पहले को हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए, दूसरे को बंद कर दिए हैं, तो क्या है यहाँ पे एंड गेट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और नंद में क्या मिलेगा भाई, वन मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर भी ओपन कर दिए भाई, यहाँ भी ओपन कर दिए और यहाँ भी ओपन हो जाएगा भाई, मान लीजिए एंड गेट का जो रूल्स है, अगर दोनों स्विच ऑन रहेगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा, अगर दोनों एक ही ऑन है तो हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। अब हम यहाँ दोनों ऑन कर दिए हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। और यानी अब हमें आ रहा यहाँ पे चालू हो चुका है, और ऑन होने का मतलब है किसी भी चीज को बंद कर देना, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल को आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। एंड नंद गेट का अगर आता है तो नंद गेट का डायग्राम इस तरह से क्रिएट करना है, और फार्मूला होता है बाई इज इक्वल टू ए इंटू वी का रिवर्स, ये हमारा फार्मूला होता है। ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी को आप इस तरह से क्रिएट कीजिएगा और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा एंड प्लस नॉट से मिलकर के नंद गेट बनता है, एंड गेट का रिवर्स होता है हमारा नंद गेट। ठीक है, तो आप इस चीज को जो है फॉलो कीजिए, आप इस चीज को बना सकते हैं। अब दूसरा गेट है, ये यूनिवर्सल गेट आते हैं, यूनिवर्सल गेट आते हैं। ठीक है, और इनको भाई जो यूनिवर्सल गेट जो हमारे पास नॉट गेट आता है, नॉट गेट को क्या कहा जाता है भाई, इंग्लिश मीडियम वाला क्या बोलता है, इन्वर्टर गेट बोलता है, क्या बोलता है, इन्वर्टर गेट। और इनको पगला गेट भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पगला गेट भी हम इसको कह देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उल्टा काम है, ऑन कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा और ऑफ कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या रहता, उल्टा काम रहता। हमारे पास कौन सा गेट बचा भाई, और गेट। ठीक है, तो हम और गेट के बारे में और समझ लेते हैं। और प्लस जो हमारे पास और प्लस नॉट से मिलकर के जो गेट बनते हैं वो कौन से हैं, नॉर गेट। तो नॉर गेट जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, तो उसका भी डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए नॉर गेट का मतलब क्या होता है, ये नॉर गेट है हमारे पास, और नॉर गेट का जो मतलब होता है किसी भी चीज को प्लस करना और फिर उसके बाद में क्या कर देना, नॉट कर देना। ठीक है, यानी ये हमारे पास और का रिवर्स होता, और का रिवर्स होता। अब इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे दो ही इनपुट आपको देना रहेगा और एक आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या जोड़ देना है इसमें, इसमें नॉट वाला जोड़ देना, जो नॉट का डायग्राम है उसको आपको यहाँ पे लगा देना है, वाई बराबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ये आपको क्या करना है भाई, इनपुट करना है। हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करना है। अब इनपुट करने के बाद जो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का रिवर्स। क्या बना, ए प्लस बी का रिवर्स, ये हमारा किसका है, नॉर गेट का फॉर्मूला। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो भी चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एंड लिखे, हम यहाँ क्या कर देंगे, और कर देंगे, क्या कर देंगे, और कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मान लीजिए हमने क्या काम करा भाई, जो हमारे पास और गेट का जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कोई भी एक स्विच ऑन होने पर हमें आउटपुट मिल जाता है। और गेट का मतलब होता है कोई भी एक स्विच ऑन होने पर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, जीरो है, यानी पहला फर्स्ट तार भी नहीं लगाए, सेकंड भी नहीं लगाए, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट भाई, जीरो ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और भाई जहाँ जीरो रहता है तो वहां क्या हो जाता है, अभी उल्टा हो जाता है। इसमें क्या लगा देंगे हम, ये किसका देख रहे हैं, ये रिवर्स है हमारा, यानी किसी भी संख्या को क्या कर देना, उल्टा कर देना। और हमारी ये बंद कर दिए तो क्या हो जाएगी, ये चालू हो जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे भाई, पहले पहले को क्या कर दिए, नहीं ऑफ कर दिए, और दूसरे को क्या कर दिए, ऑन कर दिए। और हमारा और का मतलब होता है कोई भी एक स्विच ऑन होने पर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा भाई, वन मिल जाएगा, यहाँ आउटपुट वन मिल जाएगा। और भाई अब अगर हम यहाँ ऑन कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ जीरो मिल जाएगा,
आउटपुट जीरो मिलेगा, क्योंकि देखिए हमारा जो और गेट है उसका मतलब होता है कोई भी एक स्विच ऑन होने पे हमें आउटपुट क्या मिल जाता है, आउटपुट के रूप में मिल जाता है कोई भी एक स्विच ऑन हो। और भाई अगर हम यहाँ ऑन कर दिए हैं तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट का उदाहरण है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आप ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पहले फर्स्ट को ऑन कर दिए, सेकंड को ऑफ कर दिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। वन का मतलब हमें जीरो मिलेगा। अगर यहाँ पे भी वन वन है तो क्या मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, लेकिन यहाँ भी जीरो मिल जाएगा। तो आप ही नॉर गेट के बारे में पढ़े हैं, आई होप कि आपके ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट हमारे दो होते हैं और बेसिक गेट हमारे तीन होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके दिखाना। और इसका जो डायग्राम होता है वो डी के आकार का होता है, डी के आकार का। और इसमें हम कोई भी दोनों स्विच ऑन होने पर भी हमें आउटपुट मिलता है, दोनों स्विच ऑन नहीं कीजिएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। और इसका जो फॉर्मूला है वो y इज इक्वल टू ए इंटू वी ही रहता है। और इसमें जो हमारे पास और गेट आता है, और गेट का मतलब जो होता है भाई एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। एडिशन के अंदर आप जो भी कीजिएगा एडिशन में प्लस होता है, यानी कोई भी एक स्विच ऑन होने पर आपको आउटपुट मिल जाता है। और गेट के अंदर कोई भी एक स्विच ऑन होने पर आउटपुट हमें मिल जाता है। और नॉट गेट के अंदर उसका रिवर्स होता है, यानी अगर आप ऑन कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा और ऑफ कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा। इन तीन गेट से मिलकर के बने हैं हमारे दो गेट और, जिनको हम बोलते हैं भाई नंद गेट और नॉर गेट। नॉर गेट ये किससे मिलकर के बने हैं भाई, इन बेसिक गेट से मिलकर के बने हैं। अब इनका भाई दोनों मतलब है, जैसे एंड में क्या मल्टीप्लाई को फॉलो किए, इसमें क्या कर दिया, उसका रिवर्स कर दिया, यानी एंड, ये एंड का रिवर्स होता है और ये हमारे पास और का रिवर्स होता है, यानी इसका उल्टा कर देना, ठीक है। ये और का रिवर्स, वो एंड का रिवर्स। तो ये आप फॉलो कीजिए, आप इसको नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा और आपकी स्टडी कीजिए, क्योंकि ये इस तरह के लॉजिक गेट्स के बारे में आपको कॉम्पिटिशन के बारे में भी IEEE में सभी में ये पूछ लेगा। तो आप अच्छे से इसका अगर एक बार ये देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला जिस तरह से मैं आपको बताया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और देखिए कोई भी वीडियो है उस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप थोड़ा सहयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए इसी तरह से हम बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।